तो जी दोस्तों, लोडर के पिछले हिस्से का जो सीएल है एक्सेल के जरिए बाहर आ रहा है जी दोस्तों, उसमें क्या फॉल्ट है, किस फॉल्ट की वजह से जी दोस्तों जो है सीएल बाहर आ रहा है, उसके बारे में आज आपको मुकम्मल डिटेल देने वाले जी दोस्तों। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों 13 नंबर की ड्री हैंडल की मदद से एक्सेल के जो 6 काबले हैं वो आपने खोलने हैं। तो जी दोस्तों, काबले खोलने के बाद जो एक्सेल है आपने वो बाहर निकाल लेना है। देख सकते हैं जो हिस्से का सीएल है वो एक्सेल वाली जगह से बाहर आ रहा है दोस्तों। किस फॉल्ट की वजह से जो सीएल बाहर आता है और उसकी वजह से जो आपकी गाड़ी की ब्रेक नहीं लगती, गाड़ी की ब्रेक बिल्कुल फ्री हो जाती है दोस्तों उसमें। तो जी दोस्तों, जो इसका फॉल्ट है वो फॉल्ट इसके जो हब के अंदर है जी दोस्तों, जो इसका मेन फॉल्ट है वो भी आपको बताते हैं दोस्तों। पेचकस की मदद से आपने जो एक्सेल के सील उसको बाहर निकाल लेना है जी दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं जो एक्सेल की सील है वो बाहर आ चुकी है। जो उसका स्प्रिंग है जो उसको टाइट करके रखता है सील को जी दोस्तों, वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है जी दोस्तों। स्प्रिंग डैमेज होने की वजह से सील जो है वो नरम हो जाती है। जो हिस्से का सीएल है प्रेशर से बाहर आता है जी दोस्तों, यही मेन फॉल्ट है। इस फॉल्ट की वजह से दोस्तों सीएल बाहर आता है और ब्रेक खराब हो जाती है दोस्तों। जी दोस्तों, वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। मेरी आने वाली हर न्यूज़ पोस्ट के जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।